लजीज जायका में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी के नीचे दिए गए लाइक बटन जरूर दबाएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का मसाला। और पनीर टिक्का मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बाउल। उसमें मैंने लिया है 4 टेबलस्पून कॉर्न। मैंने यहाँ पे दही, थोड़ा सा थिक दही लिया है और ज़्यादा खट्टा दही नहीं होना चाहिए। इसके साथ हम ऐड करेंगे ये 2 टीस्पून बेसन और 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 1 टीस्पून टर्मरिक। उसी के साथ हम डाल देंगे 1 टीस्पून पेपर पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर एंड 1 टीस्पून हम ले लेंगे रेड चिली पाउडर। अच्छे से इन सबको मिला लेंगे एक बार। अभी हम इसमें 1 छोटा चम्मच अजवाइन डाल देंगे। उसको थोड़ा सा हाथों से ऐसे मसल के डालेंगे, इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। उसी के साथ हम ऐड कर देंगे ये 1 स्पून कसूरी मेथी, उसको भी हम हाथों से मसल के डाल लेंगे। अभी इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसमें पनीर ऐड कर लेंगे। ये सारे पनीर को हमने ये मसालों के साथ अच्छे से मिला लिया है। अभी हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 1 बड़ा साइज़ की प्याज। उसको हमने स्लाइस करके काट लिया था और उसका सारा कली हमने निकाल लिया था। एक एक करके लेयर्स हम डिवाइड कर दिए थे, उसको हम इसमें डालेंगे। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून ऑयल। हमें इस मिक्सचर को 1/2 घंटे तक फ्रीज़र में रखना है, फिर निकाल के उसको हम फ्राई करेंगे। अभी 1/2 घंटा हो गया है, हमने पनीर को बाहर निकाल लिया है। अभी मैंने यहाँ पे एक पैन गरम करके उस पर 2 टेबलस्पून ऑयल भी डाल दिया है। अभी ये सारे पनीर हम ये ऑयल में फ्राई कर लेंगे। आप ऐसे उलट पलट करके दोनों साइड से थोड़ा सा ब्राउन कलर होने तक इसको फ्राई कर लीजिएगा। हमारा पनीर अभी गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है। अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे करके दोस्तों हम सारे पनीर को इसमें फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सारे पनीर को फ्राई कर लिया है और इसी सेम पैन में मैंने और 2 स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। अभी हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। जीरा को थोड़ा सा भून लीजिए। उसके बाद हम एक कटी हुई प्याज, जिसको मैंने बारीकी से काट लिया है, उसको मैं इसमें डाल दूँगी। प्याज के साथ हम एक ग्रीन चिली डाल देंगे और इसे भी प्याज के साथ
अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा प्याज अभी गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है। अभी इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसी के साथ हम डाल देंगे टमाटो प्यूरी। मैंने 2 टमाटो को ग्राइंड कर लिया था। अगर आपके पास रेडीमेड प्यूरी है आप डाल सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ही ग्राइंड करके इसमें ऐड कर सकते हो। अभी हम इसको ढक के 5 मिनट तक पका लेंगे। धीरे धीरे ऑयल टमाटो से सेपरेट होने लग जाएगा, तभी हम इसमें सॉल्ट और टर्मरिक ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून टर्मरिक ऐड कर लिया है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कोरिएंडर पाउडर, पेपर पाउडर, क्यूमिन पाउडर और रेड चिली पाउडर। इस सब का मैंने 1 टीस्पून ले लिया है। ऐसे हमको इसे अच्छे से मिलाते रहना होगा, नहीं तो नीचे से ये जल जाएगा मसाला, इसीलिए हमको धीरे धीरे इसको मिलाते रहना होगा। ये मसाले डालने के बाद हमको इसे ढक के और 5 मिनट पकने देना है। 5 मिनट के बाद हमें इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करनी है। देखिए मैंने इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लिया है। अभी इसको भी अच्छे से हम मिला लेंगे। देखिए ऑयल कैसे टमाटो से थोड़ा सा छूटने लगा है। अभी मैंने इसमें ऐड किया ये मैगी मसाला है मैजिक। आप कोई भी किचन किंग मसाला ऐड कर सकते हैं। और आखिर में हमें इसमें पनीर ऐड कर देनी है। मैंने पनीर डाल दिया दोस्तों। अभी इसको सारे मसालों के साथ अच्छे से एक बार मिला लेंगे। पनीर को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद मैं ये 1/2 कप वाटर इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ी ज़्यादा पानी भी इसमें दे सकते हो। अगर आप मसाला का थिकनेस ज़्यादा चाहते हो तो थोड़ा कम पानी डालिएगा। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पतला चाहिए तो आप और एक 1/2 कप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। और मैंने इसमें 1/2 कप पानी अभी ऐड किया है। अभी इसमें 1 स्पून हनी डाल देंगे हम। हनी डालने के बाद मैंने इसमें और 1/2 कप पानी ऐड कर लिया है। आप एक साथ ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही आप मैंने जैसे किया आप कर सकते हैं। पानी हमने ऐड कर लिया है। अभी इसको कवर करके हमको 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देनी है ताकि मसाला पानी में और पनीर के साथ अच्छी तरह से घुल जाए। मैंने यहाँ पे इसको कवर करके 5 मिनट तक छोड़ दिया है। देखिए अभी 5 मिनट हो चुका है और हमारा पनीर टिक्का मसाला पूरा रेडी हो चुका है। आप ऐसे ही इसको गर्मा गर्म सर्व करिए। हमारा पनीर टिक्का मसाला अभी रेडी हो चुका है। आप इसे घर में एक बार ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट करके मुझे बोलिए आपको इसकी टेस्ट कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी दोस्तों। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यू रखती है। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी के नीचे दिए गए लाइक बटन को ज़रूर दबाएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।